तो वो फार्मूला है नंबर एक में रोशनी ने उसको खोल साइन में आता है ए प्लस बी प्लस सी। वो तो खोल देगा फिर भी तो धूप तुमको नहीं लगेगा, खोलिए दोस्त को खोल देगा फिर भी धूप नहीं लगेगा। तुम यहाँ पे लगेगा धूप क्या लगेगा, छोड़ दो रहने दो तुम, लग जाए धूप लगेगा 10 मिनट रहने दो उसके बाद फिर उधर चल जाते। नहीं नहीं ठीक है बैठो ना हो जाएगा, उतना दिन है तो कमरा है पावरफुल नहीं हो जाता है। तो साइन ए प्लस बी प्लस सी का देखो फार्मूला, देखो ये फार्मूला होता है निकाल ही देते हैं क्या लिखेंगे। देखो इसको हम तुम देखो दो वाला का सूत्र जानता है, तीन वाला सूत्र नहीं पढ़ा है, ए प्लस बी का पढ़ा है ना, ए प्लस बी का सी नहीं पढ़ा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से क्या करेंगे, ए प्लस बी को लिखेंगे साथ में और प्लस सी लिखेंगे, बात समझ जाएगा ना। तो अब ये इसको मान लो पूरा पैकेट को ए और इसको मान लो बी, साइन ए प्लस बी हम लोग जानते हैं ऊपर बैठा देंगे, साइन इसको ए बुझो इसको बी बुझो, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए साइन ए इंटू कॉस बी लिखेंगे, लेकिन ये बात प्लस कॉस ए एक जगह पर ये वाला बात ये पैकेट इंटू साइन बी तो बी की जगह पर ये वाला बात, कोई दिक्कत। अब फिर साइन ए प्लस बी का लिखेंगे हम लोग साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी ये वाला बात हो गया इंटू कॉस सी। फिर इसका लिखेंगे हम लोग कॉस ए प्लस बी का कॉस ए कॉस बी प्लस है तो माइनस साइन ए इंटू साइन बी साइन ए। याद रखो कोई भी जनरल कंपटीशन में अच्छा नौकरी का तैयारी करने जाएगा, अलेवंथ का एक चैप्टर त्रिकोणमिति छोड़ करके एक लास्ट चैप्टर है प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल है उसको छोड़ कर करके बाकी जितना पढ़ेगा वहाँ भी जनरल कंपटीशन वाली पढ़ता है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जनरल कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आगे जब भी कोई एडवांस मैथ पढ़ेगा उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सबसे अधिक इम्पोर्टेंट पूरा मैथ में त्रिकोणमिति से कोई चैप्टर इम्पोर्टेंट है ही नहीं, सब जगह काम आता है। कौन चैप्टर पढ़ेगा उसकी उपस्थिति रहबे करेगा, त्रिकोणमिति पहुंच जाता है वो तुरंत है ना, इसीलिए चैप्टर को हम लोग दे रहे हैं। पहले मल्टीप्लाई कर दो कॉस सी से गुना करो साइन ए साइन ए कॉस बी कॉस सी हुआ, फिर इसे मल्टीप्लाई करेगा कॉस ए कॉस सी साइन बी और कॉस सी, फिर प्लस इसे मल्टीप्लाई करो कॉस बी और साइन सी माइनस से करेगा साइन ए साइन बी इंटू साइन साइन बी इंटू साइन सी। कटने वाला भी जुगाड़ है बताओ, कटने वाला भी जुगाड़ है यस सर मैंने प्लस ए में टू जुट जाएगा साइन ए साइन बी साइन सी साइन ए नहीं है कुछ भी कटने वाला नहीं। तो अब हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो टेन के फॉर्म में लिखना है, एक सूत्र और भी है ठीक है, तो ये भी अपने आप में एक फार्मूला ही हो गया साइन ए प्लस बी प्लस सी का साइन ए कॉस बी कॉस सी, कैसे इसको ध्यान रखा जाए उस चीज़ को हम लोग देखते हैं। वैसे तो इसको नहीं रखेंगे ये भी फॉर्मूला होगा ध्यान में, इसको नहीं रखना है वैसे तो इस ए प्लस साइन ए प्लस बी प्लस सी का ध्यान नहीं रखना है, बताने के लिए बता देते हैं जब भी आता है तो इस प्रकार से काम कर करके काम कर लेंगे। अब देखो अब इसमें क्या करो तुम, हाँ कॉस ए कॉस बी और कॉस सी से भाग दे दो गुना कर दो और कॉस ए ऐसा क्यों किए, क्योंकि सटीक फार्मूला बैठाने के लिए हम लोग ऐसा किए हैं। पैकेट में है साइन ए कॉस बी, पहले बताए तुम्हारे सिलेबस नहीं है फिर भी हम बता रहे हैं कॉस ए साइन बी इंटू यही बात लिख रहे हैं पूरा है ना कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन साइन सी माइनस साइन ए साइन ए, याद नहीं करना है जहाँ भी स्टेप का कंसेप्ट का यूज होगा हम लोग ड्राइव करके ही काम कर लेंगे, आसान वही होता है। अब देखो यहाँ से एक कॉस ए कॉस बी और कॉस सी को
छोड़ दो, कॉस ए कॉस बी और कॉस सी क्या करो, इससे भाग दो, साइन ए बटा कॉस ए बोलो क्या होगा, टेन ए कॉस बी बटा कॉस बी कैंसिल हो गया, कॉस सी बटा कॉस सी कैंसिल हो गया, बोलो कोई दिक्कत, कॉस ए कैंसिल हो गया, साइन बी बटा कॉस बी टेन बी बोलो कोई दिक्कत, कॉस सी कैंसिल हो गया, समझ में आ रहा है, फिर इसमें भाग देगा तो बोलो कॉस ए कैंसिल, कॉस बी कैंसिल, बस या साइन सी बटा कॉस सी बोलो क्या होगा, टेन सी, साइन ए बटा कॉस ए बोलो टेन ए कोई दिक्कत, साइन बी बटा कॉस बी बोलो टेन बी, देखा टेन में कन्वर्ट कर दिया, छोटा फॉर्म हो गया, साइन सी बटा कॉस सी बोलो, इसीलिए हमने वहाँ पर इस चीज़ को डिवाइड किया, तो एक यहाँ से रेड कलर लाओ, वहाँ से पीछे हम रखा होगा साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला निकल गया, वहीं पर रखा है जहाँ से कलम लिया था, वही तो है, तो ये फार्मूला हो गया, इसको हमने ड्राइव कर लिया कि साइन ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला कॉस ए कॉस बी कॉस सी कॉस में टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस, फिर तीनों को गुना कर दो, क्या समझ जाएगा ना, अच्छा अब हम लोग इसी प्रकार से सिमिलरली ड्राइव नहीं करेंगे, इसी प्रकार से फार्मूला हम लिख देते हैं डायरेक्ट, यदि देख कर करना होगा तो कर लेना, है भी नहीं इसीलिए भी नहीं कर रहे हैं, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का फार्मूला जब हम लिखेंगे तो ये होगा कॉस ए कॉस बी और कॉस सी, यहाँ हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए वन माइनस टेन इंटू टेन बी बोलो माइनस टेन बी इंटू टेन सी ए बी बी सी सी ए टेन सी इंटू टेन ए, ये फार्मूला किसका हो गया, कॉस ए प्लस बी प्लस सी का ये फार्मूला मैंने ड्राइव कर दिया, मतलब लिख दिया, तुम कर सकते हो, कैसे हुआ ये फार्मूला दिल को पूछेगा तो कुछ नहीं करना है, जैसे इसको किए हो उसी प्रकार से ए प्लस बी एक पैकेट में बंद करो और सी को अलग करो और कॉस सी ए प्लस बी पर बैठा दो, बात बुझा ना, ड्राइव हो जाएगा, जरूरी नहीं है इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे हैं, इसी प्रकार से अब देखो तुमको अब फार्मूला निकालना होगा टेन ए प्लस बी प्लस सी का, तो बहुत ईजी फार्मूला है, टेन ए प्लस बी प्लस सी करेगा तो साइन ए प्लस बी प्लस सी बटा कॉस ए प्लस बी प्लस सी, क्या समझा, तो ये अब बटा ये करेगा तो ये वाला दर्म सेम है तो कैंसिल हो गया, मतलब टेन वाला बटा ये वाला ऊपर वाला लिख दो, तो टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी और इंटू टेन सी अपॉन में वन माइनस टेन ए टेन बी ए बी बी सी, टेक्निक समझ में आया, बस बस यही टेक्निक समझना है तो उनको ध्यान में रहेगा फार्मूला, इसी प्रकार से हम भी रखते हैं, वैसे तो काम का नहीं है फिर भी बता देते हैं, जब ए प्लस सी पढ़े बी पढ़े एक स्टेप आगे और बढ़ कर करके बी एस सी में जाएगा तो सूत्र का बहुत काम आएगा, सेमेस्टर में पढ़ेगा डिप्लोमा में जा करके तो इसका भी काम आता है, अब देखो नोट में कुछ चीज़ों को हम लोग लर्न करेंगे, यहाँ नोट में देखेंगे हम लोग, पकड़ के रखते थोड़ा सा इसको, नोट में क्या देखने वाले हैं हम लोग, अब जो मतलब पीछे की कंसेप्ट है, अब देखो साइन पाए बटे बारह, पाए का मान क्या डिग्री 180 डिग्री, 180 में भाग लगाओ 12 से, 12 15 180 कट जाता है ना, यानी कि साइन पाए बटे 15 का मतलब, साइन पाए बटे 12 का मतलब हो गया साइन 15 डिग्री का मान निकालना, कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है निकालना, 45 डिग्री माइनस, हाँ क्योंकि हम लोग 45 30 का जानते हैं, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और यहाँ से साइन ए माइनस बी का फार्मूला साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बैठाने में किसी दिक्कत का फार्मूला है नहीं होना चाहिए दिक्कत, बार बार प्रैक्टिस करो जिसको बताते हैं, साइन 45 डिग्री का बोलो 1/√2, कॉस 30 डिग्री का तुम बोलो ये बोलेगा कॉस 30 डिग्री का √3/2, और ये किसका मान होता है 90 तक में, और किसका होता है √3/2, साइन का होता है ना, ऐसे भी पूछ सकते हो,
कॉस 45 वन बाय रूट टू साइन तीस का मान बोलो, वन बाय टू होता है। अच्छा तो एलसीएम क्या हो जाएगा बोलो, टू रूट टू होगा, टू रूट टू एलसीएम, रूट थ्री माइनस वन, ये भी छोड़ सकते हो यहाँ। हाँ यही ही है। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट दिमाग में रट लो, रटने के लिए क्या है बोल रहे हैं, तुम कोई भी जनरल कमीशन एग्जाम देगा, पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम देगा, वहाँ हमने देखा है इस क्वेश्चन को पूछता है, डायरेक्टली पूछ लेता है वो। नेक्स्ट पेज लाओ, साइन 15 का पूछा था 2000 क्या में पूछा था, 16 में पूछा था। लाओ साइन 15 का मान पूछा हुआ है, तुम देख सकते हो, रट लेना डायरेक्टली। रटने के लिए इसीलिए कर रहे हैं, यदि भूल जाओगे तो निकाल सकते हो, लेकिन एग्जाम उतना समय नहीं है कि तुम निकालो उसको, है ना। एक सेकेंड वहाँ रखता है, एक क्वेश्चन गलती होगा ना तो 1000 जाकर पीछा हो जाएगा एक क्वेश्चन में। ये है, ई है मामला बुझा ना, एक दो क्वेश्चन गया तो 1000 तुमको पीछा कर देगा ना साहब। साहब दुरादारी रहता है। हाँ 1000 रैंक चला जाएगा पीछा, लटिया डूब जाएगा। तो यहाँ से आज से याद रखना है साइन 15 डिग्री का मान रूट थ्री माइनस वन बाय टू रूट टू, दिमाग में फिक्स कर लो। ये कोई भी कंपटीशन एग्जाम देते हो ना, जहाँ भी एडवांस मैथ पोर्शन आता है, जनरल मैथ एक हो गया अंकगणित, लाभांश अनुपात मनुपात तुम पढ़ा है, ये एडवांस कैटेगरी में आता है। और जनरल वाला टीचर इतना सा तुमको पढ़ा भी नहीं पाएगा, सूत्र लिख देगा खाली, क्यों वो एडवांस पढ़ा ही नहीं तुमको पढ़ाएगा खाक, वो तो 11th 12th का सिलेबस है, तो जनरल का थोड़े सिलेबस है, सूत्र लिख देगा बाबू कहेगा होता है, यहाँ हमने प्रूफ कर दिखा देखो ऐसे होता है, इसीलिए भविष्य में काम देगा, नोट्स बना लेना बढ़िया से, बनवा गया ना। नौकरी वाला जब करेगा तैयारी तो काम देगा सूत्र। अब तुमको पता है तुम पढ़े हो त्रिकोणमिति, किसी एक निष्पत्ति का मन पता हो तो बाकी सबका निकाल सकते हो आसानी से। इसी प्रकार से तुम कॉस सिमिलरली दो को डायरेक्ट पूछता है, इसीलिए हम दो एक लिखेंगे। कॉस 15 डिग्री लिखेगा ना, मान लो निकालेगा, डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग यहाँ पर कॉस 15 डिग्री निकालना होगा तो तुम क्या लिखेगा बताओ, कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री निकाल लेगा कर कर। अच्छा डायरेक्ट निकालेगा तो प्लस माइनस देगा, सिर्फ क्या आ जाएगा इसमें तुमको प्लस आ जाएगा, बात खत्म है। 15 डिग्री में दो एगो पूछता है, एगो यही कि एगो यही, एगो 10-15 का भी हम लोग देख लेते हैं। अब बाकी निकालना होगा तो बाकी कुछ है, डायरेक्ट कोशेक पूछेगा 15 तो पल्टी मार दो, टू रूट टू वटर रूट थ्री माइनस वन, शेक 15 पूछेगा तो पल्टी मार दो, टू रूट टू वटर रूट थ्री प्लस वन, पास हो जाएगा ना, टू रूट टू पल्टी। अब 10-15 पूछेगा तो साइन 15 रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू रूट टू बटे रूट थ्री प्लस, इसका साइड टू रूट टू साइड से कुछ है, टू इंटू रूट टू प्लस वन, देखते हैं क्या निकलता है, बहुत दिन याद करे हुए हो गया, देख लेते हैं। वो बर्गमूल अति तरी करेगा तो शायद 2 × √2 + 1 ही आता है, देखते हैं। रूट थ्री माइनस वन अपॉन 12th में पढ़े थे, अब याद था कि क्या है नहीं है, देख लेते हैं, निकल जाएगा फिर ध्यान में चला जाएगा। ये कैंसिल हो गया, आर का क्या कर दो यहाँ से, आर का परिमेयकरण कर दो, क्योंकि इस फॉर्म में एग्जाम आता नहीं है, ये भी हम बता देते हैं पहले, वो परिमेयकरण करके ही पूछता है। हर का परिमेयकरण करेगा तो अल्टरनेट साइन से क्या करना पड़ेगा जी, गुना भाग करना पड़ेगा। अब देखो ये सब बेसिक बात, इन सब फर्क आना है, अब किसी को ये भी नहीं रहेगा पता तो कहेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो उसमें मेरा की जिम्मेदारी है, तो थोड़े 11th का पढ़ाने वाला है सिलेबस, ये सब तो बेसिक क्लास का है। ए माइनस बी फल स्क्वायर करेगा, डायरेक्ट मारो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी, याद रखो कोई बेवकूफ यदि पढ़ाता है तुमको उसको हम बेवकूफे कहते हैं, गलत पढ़ाएगा। तो यह सूत्र ऐसे पढ़ना चाहिए, 2ab प्लस क्या पढ़ना चाहिए, वो बहुत सारा बेवकूफ मार्केट में ऐसा मिलेगा वैसे लिखाता है सही, लेकिन इसको हम क्या मानते हैं, हम प्रूफ करके दिखाएंगे, जब प्रूफ करेंगे तो पहले यही आता है, इसीलिए पहले ये बोलना है तुमको। बहुत सारा ऐसा कंसेप्ट है कि तुम्हारा फेलियर हो जाता है, वही कंसेप्ट समझेगा, समझा गया ना उसको, क्यों वो बाइनोमियल थ्योरम पढ़ा ही नहीं है, बाइनोमियल द्विपद पर में जब पढ़ाएंगे तब पता चलेगा, अच्छा अच्छा ये कहीं हो रहा है, जान लो मैट्रिक वाला सिर्फ कह देते हैं होता है, मान लो ऐसा तुमको तो प्रूफ करके बताएंगे कि सिलेबस में है, वहाँ नहीं है तो फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना है। अपॉन में चलो तो एक का स्क्वायर करेगा तो प्लस वन, एक ये समझ में आया सबको, यहाँ क्या कैलकुलेशन हुआ, यहाँ रूट थ्री माइनस वन का स्क्वायर हुआ, तो ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी कल बटाए थे, तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, रूट थ्री का स्क्वायर फुल थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन रूट थ्री का स्क्वायर फुल थ्री माइनस वन, तीन में से गया बोलो दो तीन एक चार, चार माइनस टू रूट थ्री अपॉन बोलो दो, भाग दो माइनस
रूट थ्री, कुछ दिमाग में हमको यही आ रहा था, इसका फॉर्मूला हो गया 2 × 1 − √3 टेन 15 डिग्री का। और एग्जामिनर का ये फेवरेट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में कॉम्पिटिशन में आती है, 10 × 15 डिग्री का मान बताइए सरकार, 2 × 1 − √3 मैंने ड्राइव करके बता दिया, समझ में गया? अच्छा समझ में आएगा ना, इसमें भी होगा होगा तुमको जब बनाएगा ना सवाल, मैथ का जब सवाल सॉल्व करेगा तो वहाँ पर काम देगा ये वैल्यू सारा। ये ड्राइव कर दिया, अच्छा इसके बाद अब ये जोड़ के बताएंगे 18 डिग्री, देखो यहाँ 55 डिग्री लिखा है, 55 डिग्री के बताया है, अच्छा अच्छी बात है, नहीं कहा है, कहा है कहीं लिखा है ज़रूर 15 डिग्री का मान लिखा होगा, वो कहाँ लिखल है वो तो नहीं ध्यान में है, ठीक है हाँ लिखल है ना 15 डिग्री का मान निकाला है, √3 + √2 है, 10 × 105 डिग्री है, मतलब ये 10 × 105 डिग्री है प्लस में, हाँ तो प्लस में क्या डिग्री, 90 15 डिग्री हो जाएगा ना जी, अच्छा प्लस का है, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं है, वो तो हम कर ही दिए, तो समझ में आ गया ना सवाल, जब इसलिए भी दिखा रहे हैं, देखो ये सवाल तो मैं करेगा नहीं, यहाँ शुरू जब ना बनाएगा यहाँ से इस बात को दिया गया है ना, सवाल देखो ना 10 पहला सवाल ही कॉस 15 100, अब मान लो 105 डिग्री का मान निकालना होगा, 90 + 15 कर देना, 105 डिग्री का मान निकालना होगा क्या करेगा, 90 + 15 क्यों, अब तुमको 15 का पता चल गया है, रिजल्ट भी लेना है, तो 10 × 15 डिग्री का मान क्या निकल गया 2 × 1 − √3 सही है, ठीक है अब नया पेज लाओ, अच्छा लिख देते हैं इसी पर बगल में, अब देखो कुछ चीज़ और हम लोग नोट में देख लेते हैं, अब कल को यहाँ से कोई पूछ देगा, जैसे वहाँ पर है सवाल पहला बनाया हुआ, बताओ भाई कि ये साइन 105 डिग्री का क्या होता है, साइन 105 बोलेंगे कोई बात नहीं है, इसको तुम लिख दो 90 डिग्री प्लस क्या लिख दो जी, 15 का पता है, साइन 105 पर तोड़ दो, काम हो गया, बात समझ जाएगा ना, इस प्रकार से हम लोग काम कर लेंगे, अब आगे का जो फार्मूला है वो नया पेज लाओ, इस पर अब काम होने वाला नहीं है मेरा, लंबा चौड़ा बांध लेंगे हम लोग, इतना जगह मार चला गया, ठीक है कोई बात नहीं, अब देखो आगे का जो प्रोग्राम है, यहाँ से कल जो लिखे थे समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4 उसको फिर से लिखेंगे, कल गुना किए थे लेकर 2 को, आज जोड़ेंगे, कहेगा जोड़ने बताए हैं, जोड़ भी सिखाएंगे ना, कल गुना सिखाए थे आज जोड़ सिखाएंगे, तो इस हेडिंग दे देते हैं पहले, हेडिंग है अनु परिवर्तन सूत्र या रूपांतरण सूत्र, मेहनत करके मैथ पढ़ लो, अब पहली मौका मिला है, बाद में नहीं मिलेगा मौका, हम बार बार कह रहे हैं, नौकरी तौकरी भविष्य में होन होन यदि नहीं मिले उसे तो मिल जाना चाहिए, तो ये कापी बहुत काम देगा जो हम पढ़ा रहे हैं, फिर यदि बढ़िया से कर लेगा तो दाल भात चटनी बैठ के खाएगा बढ़िया से, समझागा ना, कहीं भूलेगा तो यूट्यूब पर डाल ले हैं, है? दाएं खोल लेना तुरंत, ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूला हम लोग इसको कहते हैं, रूपांतरण मतलब रूप में क्या कर देंगे, हाँ वी नो दैट, नॉलेज तुमको तो बहुत है, वी नो दैट हम लोग क्या जानते हैं, कल हम लोग जान गए थे, कल जाने थे साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है, उल्टा का है लिखे, इसके पीछे भी कोई रीजन होगा, इसीलिए हमने ऐसा किया है, साइन तो ये वाला बात हो गया समीकरण नंबर 1, अब हम लोग इसी में प्लस कर देंगे माइनस का, साइन ए माइनस बी का हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस बी, समीकरण नंबर 2, प्लस की जगह क्या कर दिया है माइनस, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, अब लिखेंगे कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, प्लस है पहले लिखो माइनस वाला, पहले कौन लिखो, पहले माइनस वाला लिखो, माइनस वाला लिखेगा पहले, यहाँ चला जाएगा प्लस, प्लस
समीकरण नंबर, इसको सिदका बरका रखो, समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे हम लोग यहाँ से कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, और ये हो जाएगा माइनस। प्लस है तो क्या होगा बोलो? माइनस। ये सिर्फ कॉस में ही है, साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। समीकरण नंबर 4। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण 1 + 2 करने पर 1 और 2 को क्या करो, यहाँ से जोड़ दो। अब देखो ध्यान से, यहाँ देखना, यहाँ ध्यान मत दो, यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान देना है। ये माइनस वाला है, ये प्लस वाला है, दोनों कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया जी बोलो? साइन ए टू साइन ए इंटू कॉस बी, क्या ऐसा होगा? ये डिजिट सेम इसमें जोड़ेगा, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, टू साइन ए इंटू कॉस बी दो गो है बराबर, LHS में RHS में RHS वाला पार्ट, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, फार्मूला है याद रखना है, ललका कलम चला देते हैं, काम देगा भविष्य में। समीकरण नंबर ए, समीकरण नंबर ए भविष्य में इससे भी फुल फार्मूला निकालेंगे, याद रखने वाला गॉप है, बात समझ जाएंगे ना? टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन ए प्लस बी, अब बीच में प्लस साइन ए माइनस बी, ये पूछेंगे तो ये बोलेगा, ये पूछेंगे तो ये बोलेगा, खूब काम वाला सूत्र है, बात बुझा? हाँ। अब 1 और 2 को जोड़ दिया है ना, अब मन माता अगर घटाए नहीं तो घटाओ वो सिखा देते हैं, 1 - 2 करने पर नहीं, जिसके पास टाइम का वैल्यू नहीं है वो खाक पढ़ाएगा। समीकरण 1 - 2 करने पर घटाएगा, देखो तो घटाने पर क्या होगा, चिन्ह परिवर्तन हो जाएगा, ये प्लस वाला है तो क्या हो जाएगा, अब माइनस वाला होगा, ये दोनों चला गया, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, अब ये दोनों जुट गया, बोलो समझ में आया? समझ में आया तुमको? नहीं आया, नहीं ना आया, देखा, लिखो डायरेक्ट इंडिकेट। अब क्या करोगे, सब दिन से हमको आदत लगल है इसी तरीका से ना, तो धीरे धीरे लोअर क्लास को पढ़ाते हैं तो आदत लगेगा। कॉस ए इंटू साइन बी, LHS लिखा ना, यहाँ क्या कर दो, अब माइनस इसको घटा दो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस, ठीक है, कॉस ए पूछ लिया करो, जाने आता है, इज्जत मत बचाओ, पहले इज्जत बचाएगा तो बाद में बेइज्जत खूब होगा, अभी बेइज्जत हो जाओ, अभी किससे बेइज्जत होगा, दोस्त से, वो भी तो नहीं है बताता है कभी, तो फिर नहीं हुआ, बात तो बराबर हो गया ना जी। तो फिर टीचर के सामना में निर्लज कथित बनकर पूछो, तबे सीख पाएगा, इज्जत बचाएगा तो बाद में खूब होगा बेइज्जत, जब माथा पर ईटा लेकर ढोना पड़ेगा तब, जैसे 3 गाड़ी भर के प्रोफेसर सब गया, BSc का ऑनर्स सब का डिग्री था, BA सब का प्रोफेसर साहब का, बुझ गया होगा ना, फील गुड खूब किया था, गोल फ्लाई का तुक्का लगाता था, अन्हारों में एकदम दे रहा है, लगता था पता नहीं, बहुत खूब। अब देखो यहाँ से क्या होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन देगा, मास्टर को देने के लिए टका, वो जींस पेंट मुर्गा भात खा लेगा, बहुत खूब, प्लस माइनस माइनस साइन ए इंटू कॉस बी, माइनस माइनस प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, एडिटिव लिख देंगे हम लोग, माइनस साइन ए माइनस बी, जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता है, हम भी नहीं, साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी जाए तो भाई सेम है, कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी तो जुट जाएगा, कहेंगे एक थाली में खा लो, बोलेंगे ठीक है, 2 cos A into याद करने का तरीका भी सिखाएंगे, टेंशन मत लो, समझ में आ गया ना, 2 sin A + B माइनस साइन ए माइनस बी, दिस इज ए फार्मूला नंबर बी, लगता है खत्म हो गया है, लेट पेनी अब रखा हुआ वहाँ पर, अब तो नहीं है, ठीक है, घर से लाना पड़ेगा, कलम तो रेड पेन है, कॉपी है, रेड पेन लाओ, नहीं 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 कॉपिया खोल के लाओ, कॉपिया से कलम भारी हो जाता है, हाँ।
हमारा शरीर में उतना वेट नहीं खपिया कर ढोते रहेंगे नहीं। ये फार्मूला नंबर कितना हो गया जी? बी हो गया। फार्मूला नंबर बी लिख दिए हम लोग। बहुत खूब। अब ध्यान देने वाली बात है, सब लिख देंगे ना जब फार्मूला, तब टेक्निक बताएंगे। देखो क्या मतलब घटना हो रहा है सूत्र में, कैसे दिमाग में अटैगा है ना। उसके बाद जवान पर होना चाहिए। एक और दो से हमने कल एक और दो को गुना किया था, आज जोड़े और घटाए, कहेगा भाग नहीं। वो तो तुम पहले ही पढ़ लिया था, 10a+b करके नहीं पढ़ा था? तो जोड़ो पढ़ा, गुनो पढ़ा, भाग घटाओ सब पढ़ लिया न। लघुत्तम महत्तम भी आएगा, टेंशन नहीं लेना है, आगे सवाल में आएगा वो बात। अब तीन और चार से हम लोग गुना भाग जोड़ घटाओ पढ़ लेते हैं। भाग तो पढ़ लिया, गुना भी पढ़ लिया, नहीं पढ़ा पहले, कॉट नहीं निकाला था, इसी से निकाले थे तो हम लोग। अब दोनों को जोड़ेंगे इसी प्रकार से, और इसी प्रकार से क्या करेंगे, दोनों को घटाएंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। बहुत खूब। समीकरण 3+4 करने, बगल सुनेगा तो जोर पर आ रहा है जी, मेरा मन है हम कुछ भी पढ़ाएं। 3 और 4 को जोड़ दो, आप डायरेक्ट करेंगे कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। LHS जुटता है, RHS में जुटेगा, इसको जोड़ेगा तो a - sin a * b और +sin a * b कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा यही तो 2 cos a * cos b। ये बन गया 2 cos a * cos b। इतना घटा के जोड़ के इसीलिए बता रहे हैं ताकि फार्मूला कहाँ से आया तुमको जानकारी में रहे न। रखना है सिर्फ घरलका वाला ठो ध्यान में, बाकी को नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, रखो तो और अच्छी बात है। बराबर इधर बच जाएगा cos a + b + cos a - b। ये भी एक फार्मूला ही है, डायरेक्ट हम लोग यूज करेंगे फार्मूला नंबर सी। अब हम लोग जोड़ के क्या करेंगे जी? घटाए करेंगे। समीकरण 3 - 4 करने पर, 4 करने पर देखो, अब जैसे यहाँ घटाया था ना तो अल्टरनेट साइन वाला कट गया था, सेम साइन वाला जुट गया था, उल्टे हुआ था नहीं ठीक है। तो अब देखो उल्टा भी हम बोल दिए, सेम साइन वाला यहाँ क्या होगा, कट जाएगा, अल्टरनेट साइन वाला जुट जाएगा, हमको ये बोलना चाहिए था। अब देखो इस पूरा लाइन में इसको घटाएगा तो यहाँ चला जाएगा माइनस, जैसे यहाँ हुआ था तो माइनस होगा तो माइनस कॉस ए कॉस बी, ये प्लस कॉस ए कॉस बी चला गया, यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस। याद रखो एक वाला बात, इसको लिख करके देते हैं नहीं तो खपरिया ने गर्म हो जाएगा। कॉस ए कॉस बी माइनस, किसी को फंसाना होगा तो ये फार्मूला पूछ लेना, वो पक्का फंसेगा, हमको पहले से पता है, तुम आजमा सकते हो। हमने खूब आजमाया इसीलिए कह रहे हैं ना, हम भी खूब आजमाए हैं इसीलिए आजमाया हुआ है मेरा ये सब बात। साइन ए इंटू साइन बी, अब इसको फिर लिखेगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस, पछता नहीं है विद्यार्थी को ज्यादा क्रीम खिलाने के बाद, उल्टी कर देता है। साइन ए इंटू साइन बी, RHS को लिखो, अब RHS में कॉस ए प्लस बी, ज्योमेट्री से करते प्रूफ तब क्या हाल होता, जरा कल्पना करो। तो नया पेज ला दो, अब लगाना पड़ेगा, लगाओ अब फटाफट लगाओ, तीनों को लगाओ झटाझट, तो बंद कर दीजिए, वो तो करना ही दिमाग के बात से नहीं है, दिमाग से। दो पैसा बेसी की हमार के बेटा था, बस 5-10-20,000 taka मास्टर के देलके, अखनी ये लॉकडाउन के बैठा 20,000 taka दिए हैं, एक दो महीना पढ़े यहां बैठे हैं, 20,000 taka देने छे। चलो आगे का प्रोग्राम हम लोग करेंगे, जाओ जाओ आगे का प्रोग्राम हम लोग देखो। यहाँ से क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से ब्रेक करेंगे, ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, तो देखो ब्रैकेट कैसे ब्रेक किया जाए। कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ब्रैकेट तोड़ो माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी। अब उसको पता है DVD खरीदा गया है, क्यों? उसमें तो सवाल बनाया हुआ है, वही लो दोनों को DVD में सवाल बनाया हुआ है, और वो NCERT पढ़ाएंगे नहीं कि एक सवाल में अलग करना दूसरा में फिर चेंज हो गया, अब DVD में तो बने ले है। BBD में NCERT का बनाया नहीं है, बनाया हुआ केसी सिन्हा में भी NCERT का बनाया हुआ है। केसी सिन्हा जितना भी होगा नहीं बताने में होगा तकलीफ, सवाल तो बने ले है। अब कहेगा अब तो उतना टाइम भी नहीं है तो सूत्र क्या प्रूफ करेंगे, फार्मूला क्या लिखेंगे? दसवां में कौन प्रूफ करता है फार्मूला, हम सब दिन किए हैं, ताकि मैट्रिक क्लास पूछ सकते हो, AP पढ़ाए वहाँ भी किए, त्रिकोणमिति पढ़ाए वहाँ भी किए, यहाँ तक कि
एक चैप्टर है एरिया एंड वॉल्यूम, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता इसका फार्मूला भी कहाँ से या प्रूव किया जाता है ना, हम उसका भी किए हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पायर स्क्वायर काहे हुआ हम नहीं मानेंगे, हमको पायर क्यों चाहिए, तो पायर स्क्वायर होगा उसको ही प्रूव किए हैं। बात बुझा? हाँ, तो सबका प्रूफ है यहाँ भी तुमको। हम जो फार्मूला देखिए हमको नहीं करना, हम कह देते हैं कि प्रूफ हम नहीं करेंगे, क्या उसमें क्या है लफड़ा है और टाइम भी बेस्ट हो, हाँ इसीलिए नहीं कर रहे। तुम ज्योमेट्री भी नहीं पढ़ पाए हो, एक एक दो को मनवाए अभी तक नहीं मनवाए हैं, एगो साइन ए प्लस एगो कॉस ए प्लस, बाकी सब तो निकाल ही दिए हैं। बात समझ में आ गया ना, तो सारा का प्रूफ होता है। टाइम को ध्यान रखते हुए काम किया जाता है। मैट्रिक में काफ़ी समय था, अभी तो समय खत्म होने वाला है, एक सप्ताह मैक्सिमम मोड में चलेगा मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री, फिर निपटा देंगे उसको सबको। अब देखो यहाँ से माइनस कॉस इंटू कॉस बी प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा साइन ए इंटू क्या होगा, यहाँ से साइन ए इंटू साइन बी होगा माइनस, बराबर बोलो यहाँ से माइनस कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी। जाने वाले को कौन रोक सकता है, साइन ए इंटू साइन बी माइनस में, ये भी माइनस में तो बच गया, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस में प्लस में चला गया, पूरा चला गया तो बच गया माइनस का, इसीलिए हम इसको बनाए टू साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, साइन इंटू साइन बी। बोलो बात समझ में आ गया ना, यहाँ से खोरा चेंजिंग होता है इसीलिए हमने ड्राइव करके दिखाया, कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ए माइनस बी, दोनों तरफ माइनस से गुना कर दो टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर माइनस से गुना करेगा तो कॉस ए माइनस बी पहले लिखाएगा यहाँ, ई नहीं बुझना कि यहाँ माइनस से गुना किए हैं, एंगल तेंगल में नहीं होता है कभी गुना, बात बुझे ना, यहाँ किया गुना प्लस होगा, प्लस वाला पहले लिख दिया और यहाँ प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। तो अब देखो अभी जितना फार्मूला पढ़ा कैसे याद रखा जाए, थोड़ा सा इस बारे में चर्चा करते हैं, किताब में नहीं मिलेगा खुद का एक्सपीरियंस से बताते हैं। अब देखो यहाँ से कैसे याद किया जाए, इस चारों पेज को कैसे याद होगा जो भी चारों फार्मूला मतलब पढ़े। देखो यहाँ क्या लिखल है, एंगल ए लिखल है, एंगल ए टू पहले साइन लिखल है, अच्छा यहाँ देखो पहले क्या लिखल है, यदि पहले लिखा रहेगा साइन तो लग जाएगा प्लस, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन है ए प्लस बी, अब बीच में फिर ए साइन है तो प्लस होगा, और यहाँ दिया प्लस यहाँ होगा साइन ए माइनस बी, और कुछ नहीं दिमाग में गया कुछ नहीं, हम पहले क्या लिखे टू साइन ए, साइन में ए लगा दिया तो पक्का अब लाएगा कॉस, प्लस में क्या लग जाएगा बी, तो टू साइन ए इंटू कॉस बी बराबर साइन, क्योंकि पहले साइन ए था साइन, एक बार जोड़ दो ए प्लस बी को साइन ए प्लस बी, और फिर बीच में प्लस एक बार घटा देंगे साइन ए माइनस बी को। बात समझ में आ गया ना, घटा देंगे तेरा फार्मूला को, टेंशन नहीं लेना है। अब देखो क्योंकि प्रूफ भी कर लिए तो अब याद ही करना हमको है, याद तो करना ही है, चाहे पहले करो प्रूफ करके कैसे भी करो वो तो है ध्यान में रखना ही है, ये हमने कर दिया। अब देखो यदि कॉस में देगा ना पहले ये, तो यहाँ क्या निकल जाएगा जी माइनस। देखो कॉस बहुत चतुर है, वो कॉस को पहले देते थे ना माइनस, माइनस कॉस सीटा था पचा लेता था, तो वही जो पचा लिया तो वही माइनस दिखा रहे हैं, इस प्रकार से तुम लॉजिक बना सकते हो। बात समझ में आ गया ना, तो टू कॉस अब दिखा रहा है क्या करेगा, खराब खराब है, तुम बहुत खाता है, तुम बहुत खाता है, साइन को तो बेचारा कमजोर हो चुका है, अब कह गए अब हम ये खाएंगे तुम नहीं खाओ, ये उगल दिया, ऐसे समझ सकते हो टेक्निक। तो टू कॉस ए एक सूत्र वाला किताब में इस प्रकार टेक्निक लिखा है, याद करने के लिए मतलब मत करना कि कहीं तो पढ़े भी नहीं किए हैं, बात याद है जैसे हम भी किए हैं वैसे बता रहे हैं तुमको, हमको भी इसी प्रकार से बताते हैं दिमाग बना लेते हैं ऐसे होगा। तो टू कॉस ए टू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, अच्छा कॉस में ए लग गया तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, सिर्फ यहाँ लग जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस, बाकी सब बात वही। अब दोनों को पहले बोलो, पहला हम लोग क्या पढ़े टू साइन ए इंटू कॉस बी पढ़े, साइन में ए लग गया तो पक्का कॉस में क्या लग जाएगा बी, बी लग जाएगा ना कॉस में, बराबर साइन और दोनों को जोड़ दे प्लस बी को, फिर प्लस एक बार दोनों क्या करो घटा दो। अब यदि पहले बोलेगा, अब देखो अभी जो पहले बोले तो यहाँ पहले लिखा है साइन ए, और नहीं तुम पहले कॉस ए बोलना चाहते हो तो टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी, अब प्लस की जगह माइनस, साइन ए प्लस बी माइनस अंदरों में साइन ए माइनस बी, दिमाग में गया अच्छा, यानी कि साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी में इसमें साइन कॉस देखो दोनों आया है ना, अच्छा बात है, लेकिन कॉस में बात नहीं है, कॉस में कॉस है तो कॉस ए, साइन है तो साइन ए,
ध्यान देने वाली बात क्या है, यदि तुम कॉस ए इंटू कॉस बी बोलेगा तो प्लस में जाएगा, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी, और न यदि साइन बोलेगा तो खाली साइन ए होगा, साइन ए इंटू टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर बोलो क्या होगा, कॉस ए माइनस बी पहले ही होगा, माइनस कॉस ए प्लस बी, लोग यही गलती करते हैं, लोग कहेगा कॉस ए प्लस बी माइनस कॉस ई वाला नहीं होगा, टू साइन ए माइनस बी जो फार्मूला है ये कन्फ्यूजिंग वाला फार्मूला है, आदमी इसमें कन्फ्यूज करता है, इस बात को ध्यान देना है, स्टार मार दे इसीलिए, टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर से एक बार झांप दो फार्मूला को देखो, पहले क्या पढ़े, टू साइन ए इंटू कॉस बी, बोलो क्या होगा फार्मूला, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब पहले बोलेंगे कॉस ए तो टू कॉस ए इंटू साइन बी बराबर साइन ए प्लस बी प्लस माइनस अंदरों माइनस साइन ए माइनस बी, फिनिश हो गया, इसको हटाओ। अब बोलेंगे हम लोग किसका, कॉस वाला का, टू कॉस ए इंटू कॉस बी तो प्लस ए होगा, तो कॉस ए प्लस बी अब प्लस कॉस ए माइनस बी, एक जगह तो इधर कॉस ए माइनस अंदर होगा ही। अब बोलेंगे साइन में, कुछ है साइन ए तो टू साइन ए इंटू साइन बी बराबर, पहले बोलेंगे माइनस वाला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, दिमाग में गया फार्मूला, आगे का प्रोग्राम हम शुरू करो। अगला प्रोग्राम हम लोग अब क्या शुरू करेंगे, यहाँ से अगला प्रोग्राम ए प्लस बी जो कुछ मान लेंगे, बहुत खूब, अगला प्रोग्राम हम लोग मान करके तब शुरू करेंगे। अब देखो आगे क्या करना है, लेट लेट न जाना, लेट मतलब एल ई टी लेट, ए प्लस बी के जगह मैंने सी मान लिया, मेरा मन हम कुछ माने, कौन है कहने वाला, ए माइनस बी के जगह हमने डी माना, अब यहाँ से कुछ कूड़ा फांती करेंगे, बात बुझा, छटकी एक और छटकी दो, कोई दिक्कत, उधर भवगर माने थे इधर छटगर मान लिया, कुछ नहीं, जोर आता है, समीकरण एक और दो को, समीकरण एक प्लस दो फैन ऑन करो, करने पर बात समझ में आ गया ना, समीकरण एक और दो को मैंने क्या किया, जोड़ दिया ना, जोड़ सिखा रहे हैं, बोलो बी प्लस में है बी माइनस में है, चले जाएगा, जाएगा ना, कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस ए जाए तो भाई जुट जाएगा टू ए, और यहाँ पर C प्लस डी निकल गया, इसीलिए ए बराबर बोल ए टू को पटक ले, जो बट्टा में थोड़ा देख ले, जहाँ रिक्वेस्ट कर रहे हैं उससे, बट्टा में चला गया ना, और जब चला गया तो घेरा में जला लगा दिए, भविष्य में काम आएगा इसका। अच्छा एक बार घटा सीखते हैं, घटा याद है कि भूला है, एक में से क्या करो, दो को जी छठी एक है घटा दे, एक माइनस दो करने पर वही वाला बात, एक माइनस दो करेगा तो यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, माइनस हो जाएगा प्लस, बी बी टू बी, टू बी, ये समझ में आया, टू बी जहाँ नहीं आएगा वहाँ क्लियर करना है, फलना जगह नहीं आया समझा देंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं समझाएंगे, बी बराबर सी माइनस डी अपॉन में क्या होगा टू हो गया, अब ब्रैकेट में चुपचाप इसको घेर दिया मैंने, यहाँ तक समझ में आ गया ना, अब कुछ नहीं करना है, अभी जो समीकरण ए और बी और सी और डी लिखा वहाँ पर ए प्लस बी बराबर सी रखो, ए माइनस बी बराबर डी रखो, और ए बराबर सी प्लस डी बाई टू रखो, बी बराबर सी माइनस डी बाई टू, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, बाद में सेम इतना बात रखेंगे तो इससे एक नया फार्मूला का निर्माण होगा, देख रहे हो लिंक सब मेरा बना हुआ है, पहले कौन हटाए थे साइन ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, कॉस ए साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, अब बाकी सब निकल जाए उससे ना, एक कलम से निकल तो रहा, हम थोड़े लिख रहे हैं, कलम लिख देता है अपने ना, आगे हम लोग अब चलते हैं, आगे अब क्या करेंगे हम लोग, वैल्यू पुट करेंगे इन मानों को, क्रमशः एक दो इन मानों को, एक और दो और इस मानों को, इन मानों को क्रमशः क्रम सह सह समीकरण ए बी सी एवं डी में रखने पर रख दो,
ए बी सी डी में इस मान को क्या करेंगे जी, पुट कर देंगे, चुपचाप करना है, बगल वाला को पता भी नहीं चले। ए बी ए बोले है ना पहले, अच्छा ए बोला है, ए के जगह धरेगा सी प्लस डी बटे टू और बी के जगह धरेगा सी माइनस डी बटे टू, पहले पुट करो तो टू साइन सी एक जगह पर सी प्लस डी बटे टू, टू साइन सी प्लस डी बटे टू इंटू साइन ए इंटू कॉस बी बोला, कॉस बी बोला और बी के जगह पुट करेगा। विद्यार्थी फ्यूज कर जाता है त्रिकोणमितीय फॉर्मूला देख करके ना, मैट्रिक में 10 ठो आया है यहाँ, उससे कुछ होने वाला नहीं है। अब बोलो ए प्लस बी की जगह क्या धरेगा सी और ए माइनस बी की जगह क्या धरेगा डी, तो ए प्लस बी की जगह धरेगा सी और ए माइनस बी की जगह धरेगा डी, तो ये निकल गया साइन सी प्लस साइन डी। बोलो बुझा yes. लेकिन हम ऐसे नहीं पूछते, हम ऐसे पूछेंगे इम्प्लाइज डैट साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन एक बार टू साइन सी और प्लस साइन डी बराबर टू लगा दो साइन दोनों को जोड़ के दो से भाग दे दो, सी प्लस डी बटे टू दोनों जोड़ के दो से क्या करो भाग दे दो और फिर लिखेगा कॉस वाला तो सी माइनस डी दोनों घटा दो और दो से भाग दे दो। समझ में आ गया फार्मूला है ये क्या हो गया फार्मूला हो गया साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन से एक बार जोड़ दो दूसरे भाग दे दो घटा दो दूसरे भाग दे दो कॉस वाला में ध्यान में रखो साइन सी प्लस साइन डी बराबर टू साइन जोड़ दो सी प्लस डी बटा टू इंटू कॉस लिखेगा तो कॉस घटा दो सी डी बटा टू ये वाला प्रोग्राम हो गया। ये बात के समीकरण नंबर ए में अब करेंगे यही प्रोग्राम समीकरण नंबर किस में करेंगे जी समीकरण नंबर बी में। ये चला मैंने समीकरण ए से ये सब प्रोग्राम किया, अब चलेंगे हम लोग समीकरण कहाँ से चलेंगे जी बी से प्रोग्राम करेंगे। चलो प्रोग्राम करो बी को, बी को देखो का है एक जगह पर सी प्लस जी बटे टू और बी की जगह पर सी माइनस जी बटे टू, तो हो जाएगा यहाँ से टू कॉस सी प्लस डी बटे टू इंटू साइन देखो है ना सी माइनस डी बटे टू बराबर क्या है साइन ए प्लस बी, ए प्लस बी से क्या धरेगा सी साइन सी प्लस और सॉरी माइनस है यहाँ पर माइनस है साइन लोग डरते शुरू नहीं करता है फर्स्ट बार जाएगा इलेवंथ पढ़ने के लिए एपी शुरू करेगा आराम से पढ़ाता एपी है ना एपी खत्म करेगा उसके बाद कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ाएगा उसके बाद क्या करेगा त्रिकोणमिति शुरू करेगा और त्रिकोणमिति प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल पहुँचते पहुँचते दिसंबर आ जाता है जनवरी दिसंबर पूरा बीत गया अब क्या कहेगा हम लोग क्या पढ़ेंगे अब ट्वेल्व पढ़ेंगे ट्वेल्व क्यों अलेवन का एग्जाम नहीं होता है और कहीं काम भी नहीं आता है बुर्बक बनाएगा। पहले कहे त्रिकोणमिति शुरू नहीं किया कि उसको पढ़ाना पड़ता प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल वो पढ़ाता नहीं जैसे ज्योमेट्री नहीं है जनतेमेट्री है ना उसका काका है प्रॉपर्टी जब ट्रायंगल जितना पढ़ेगा इधर फार्मूला उतना अकेले उसमें है बहुत भयंकर चैप्टर की तरह भयानक तो नहीं ठीक है जाएंगे तो सब आसान हो जाएगा नहीं जब तक ये कलम चलेगा कोई चैप्टर भारी नहीं है बंद हो जाएगा देखना नहीं देगा तब भारी लगेगा। चलो साइन सी माइनस साइन डी इसको इज्जत से लिखेंगे साइन सी माइनस साइन डी बराबर टू एक बार पढ़े प्लस वाला अब पढ़ेंगे सारा फार्मूला को लिख लेना एगो अलग पेज बना लो डायरी बना लो ये तो थ्योरम में लिख रहे हो ना अभी से ये तो फेर करने तरफ से डेरिवेशन के साथ हो गया 20-25% वाला एगो छोटा कॉपी ले लो उतना बड़ा आता है जो बात बुझा ना उसमें छूछे लिखना है फार्मूला मुस्लिम को देखा है सुबह सुबह उठेगा अजान पढ़ता है ना तुम सुबह सुबह उठना ओकरे पढ़ना डेली जब पढ़ने बैठते हो भोर बैठे भोर पढ़ना एक बार रीडिंग दे देना दोपहर बैठे दोपहर पढ़ लिया रात में पढ़ने बैठा तीन टाइम का उसमें देना है टैबलेट खाते हो भोर दोपहर शाम पेट झड़ी में ये टैबलेट खाना एक बार भोर एक टुका सांझ मतलब दोपहर और फिर
तीन खुराक लेना है और पानी के साथ ले सकते हो, मतलब नींद नहीं लगेगा, रखना बोतल बगल में, एक बार भोर पढ़ लेना, एक बार दोपहर, एक बार सांझ, 10 दिन करो लगातार, याद हो जाएगा, फिर भूलेगा, फिर ऐसे करना रिविजन। ऐसे नहीं करेगा सूत्र याद नहीं होगा, हजारों फार्मूला है पूरा लेवंथ में, फ्यूज कर जाएगा, कैसे याद होगा तब, बात समझा ना। एक सांझ एक बार भोर लेना है, एक बार दोपहर लेना है, एक बार शाम लेना है टेबलेट न। सुईल, कब्ज, पेट झड़ी, बुखार दर्द, माथार दर्द, निमोनिया, टाइफाइड सब दूर हो जाएगा इसके डर से, बात बुझा ना। हाँ, एंटीबायोटिक है ये। अब चलो साइन सी माइनस साइन डी बराबर हम लोग निकालेंगे तो 2 cos C + D / 2 × sin C - D / 2। ये भी फार्मूला है, इज्जत से घेर देते हैं, नहीं तो याद करेगा तो बेइज्जत कर देगा। कोई आता है कुछ मांगने के लिए, 5 को फार्मूला लेकर दे दो, कहेगा ये क्या है, कहना जितना भंजाएगा उतना बढ़ेगा, ये ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद है ना, जो सिर्फ यहीं तो मिलता है, बात बुझा ना। चंदा मांगने के लाता है ना, 5 को फार्मूला थमा दो, कहेगा हम तो टका मांगे, कहना उसका काका हम दिए हैं, तुम बनाओ इसको, जाकर 10 मिनट प्रवचन दो कहीं और देखना इससे कितना होगा न। तो फिर तू पैसा मांगा है, खत्म एक बार में हो जाएगा, हम ऐसा चीज दिए हैं कि वो खत्म ही कभी होगा, जितना जपेगा उतना बढ़ेगा। तो बोलो कौन देना चाहिए पैसा, चंदा मांगने आए तो सूत्र देना चाहिए, एक पेज एक थीम दे देना, कहना लीजिए याद कर लीजिए इसको, बात मुझा अगला पेज लो इस बात पर। हाँ हाँ, प्रोग्राम यहाँ अट जाएगा थोड़ा सा, देख लो यहाँ हम लोग प्रोग्राम सेटअप करते हैं, पकड़ो पेज में तो उड़ेगा ये। अब देखो अब यहाँ से क्या करेंगे, ए और बी से मैंने तूफानी कर दिया, अब बोलेंगे समीकरण सी, बोलेगा अरे हमारा बारी कहाँ आया, बोलेंगे कोई बात नहीं है, अब की बार तुम्हारा बारी ही है, समीकरण नंबर सी से चलो पुट करो वहाँ पर, एक जगह पुट करेगा C + D / 2 और बी की जगह पुट करेगा C - D / 2, चलो बोलो 2 cos C + D / 2 × cos C - D / 2 बराबर cos C + cos D। इसको C रखा यहाँ पर, D रखा पहले लिखा है, इसके जगह पर A + B की जगह C पुट करिए, A + B की जगह D पुट करिए, फिर इस प्रकार से हमने पहले बात बोलो समझ में आया यहाँ तक। अच्छा अब ऐसे लिखो इसको cos C + cos D = 2 cos C + D। फार्मूला याद करने का एक ही उपाय है जो कि राम बना उपाय है, सवाल बनाओ जायदे अपने याद हो जाएगा, और सवाल बनाओ तो कभी सूत्र मन देखो कंप्यूटर करके अपने मन से बनाओ है ना, सूत्र याद हो जाता है इसी प्रकार से, यही तरीका याद करने का है। पूजा जब हो जाएगा तो बार बार एक बार वही भोर दोपहर शाम लेना है, पानी के साथ लेना है, चाहो तो जूस के साथ भी ले सकते हो, लो है cos C + cos D = 2 बिना पानी का भी ले सकते हो। हाँ गोटी सब में काम करता है, तो cos C - D / 2 cos C + cos D = 2 cos C + D / 2 × cos C - D / 2। बहुत नॉलेज है, आगे का प्रोग्राम अब कहेंगे डी कहेगा मेरा बारी नहीं आया, कहेंगे तुम काहे टेंशन ले, तुम तो इसी पेज में हो, इसी समाज का हो ना, तो बगल वाला आदमी को लेट से खाना खिलाते हैं। यस सही सही बात। समीकरण नंबर डी से, समीकरण नंबर डी से चालू पूजा रहेगा तो पहले आके बैठ जाएगा ना, मैथ में बात नहीं है, इसमें उकताता कोई नहीं है, अपना नंबर का बैठाएंगे तो अपने इंतजार करेगा नहीं, अब पहले बैठाएगा तो उल्टी हो जाएगा इसीलिए नहीं बैठेगा। चलो बोलो 2 sin C + D / 2 × sin C - D / 2 बराबर cos, बोलो ये अपने चीज का क्या होगा, डी लिख दिया ना डी, हाँ माइनस cos C,
ई भी फार्मूला है, खुजली करने काम आता है, ई भी खुजली करने काम आता है। बाप जब खुजली करने काम आता है तो बेटा भी उसी काम करेगा ना। कंफ्यूजन लोग होता है प्लस माइनस का, अभी नहीं चलेगा पता, भविष्य में चलता है पता। कॉस डी माइनस कॉस सी बराबर टू साइन सी प्लस डी बाय टू इंटू साइन सी माइनस डी बटर टू। एक बात ध्यान देने की बात है, कहेगा इसको करियास का घेर रहे हैं, ललका अभी नहीं घेरे हैं, इसका मतलब कुछ और बताना चाहते हैं। इसीलिए आप ब्रैकेट ये है, तुम यहाँ क्या करो, इससे माइनस करो बाहर, इससे क्या करो बाहर। साइन में माइनस कॉमन लगा तो साइन में माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा, जी माइनस यहाँ चला जाएगा तो दोनों तरफ माइनस से क्या करना गुना करेगा, तब यहाँ हो जाएगा। देखो यहाँ क्या निकला है, कॉस डी माइनस सी, लेकिन हमको चाहिए कॉस सी माइनस कॉस डी, वो भी या सीधा सीधे ऐसे करो दोनों तरफ माइनस से गुना करने पर, तो कॉस सी माइनस क्या हो जाएगा कॉस डी बराबर टू साइन सी प्लस डी बटे टू इंटू साइन डी माइनस सी बटे टू। कहेगा ऐसा क्यों किए, अरे माइनस ने कॉमन एगो माइनस ने लगाया था ना, तो माइनस कॉमन निकला माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। यहाँ थोड़ा समझो, दोनों तरफ माइनस गुना किया प्लस हो गया, एगो माइनस यहाँ भी लगाना, लेकिन यहाँ माइनस लिखे हम नहीं लिखे, थोड़ा इस पे इसको माइनस ये माइनस इसमें अंदर कर दिए, ये माइनस इसमें साइन में क्या कर दिए अंदर कर दिए, तो माइनस माइनस प्लस डी और प्लस माइनस माइनस। अब बुझा ये प्रोग्राम हमने सेटअप यहाँ पर किया है, अब इसको कलर मारेंगे ना, लाल रुमाल मूवी एक तो है, बात बुझा लाल। शुक्र देखा कितना देर पढ़ाए, देखो अभी समय कितना देर हुआ 40 हुआ 20 मिनट और बैटिंग करेंगे, दो पेज निपटा लो, पेज लगा गला पेट खराब हो जाएगा, अगला पेज लाओ। कोई दिक्कत है पेट खराब नहीं होगा, टेंशन नहीं लेने का है, टेंशन लेने का नहीं देने का है। सिलेबस मेरे यहाँ टिकता नहीं है, कहता है अरे भाई इतना जल्दी क्या ख़त्म कर रहे हो, आराम आराम से पढ़ाओ ना, कहते हैं क्या करेंगे। मेरे पास अभी तक जनरली आदमी का जब टाइम ख़त्म हो जाता है ना तब आता है पढ़ने के लिए, पता नहीं उसको कौन कह देता है ख़त्म हो गया तब फलने के पास जाना, नहीं शुरू से नहीं आता है, इसीलिए मेरा अभी काम है सिलेबस से निपटा दो। आगे का प्रोग्राम हम लोग करेंगे, मतलब प्रोग्राम नहीं, आगे का जो प्रोग्राम है अब नहीं करेंगे, छोड़ दो उसको, अब आगे का जब करेंगे तो फिर एक बक्सा फिर आएगा उधर से, है ना, बक्सा तो लिंक पकड़ेंगे तो कल घिचेंगे तो घिचते रह जाएंगे, है ना। तो आज का प्रोग्राम यही ख़त्म करेंगे, आगे प्रोग्राम फिजिक्स आज जल्दी खींच देंगे। चलो आप जाओ बामा देना।